आज मैं आप सभी लोगों के लिए नमकीन बनाने जा रही हूँ। ये नमकीन खाने में टेस्टी और चटपटी लगती है। आप भी इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, सादा नमक, अजवाइन, मूंगफली के दाने, चने की दाल, खड़ी मसूर, मखाने और काजू बादाम। अब मैं ले रही हूँ अजवाइन, सादा नमक और मैदा। डालूंगी घी और इसे मैं मिक्स करूंगी। और इसे हाथों से मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी और मैं इसका एक डो बनाऊंगी। तो मैदे का डो बनकर तैयार है। अब इस मैदे की मैं दो लोई बना लूंगी। मैदे के डो को आपको ज्यादा मुलायम नहीं रखना है और बेलन की हेल्प से मैं इसे बेलूंगी। तो मैंने इसे बेल कर रख लिया है और चाकू की हेल्प से मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कट करूंगी। इस पूड़ी को आपको ज्यादा पतला नहीं करना है। और इसी तरह से मैं इन्हें कट कर लूंगी। तो इसके सभी पीसेस मैंने कट कर लिए हैं और अब मैं इसे एक प्लेट में रख लूंगी। और कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल गरम होने के लिए। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और तेल गरम हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक पारे, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट करके रखा है। और फ्लेम को अब मैंने स्लो कर दिया है। अब स्लो फ्लेम पर मैं इन्हें फ्राई करूंगी और बीच बीच में मैं इन्हें इसी तरह से चलाती रहूंगी ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएं। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या घी ले सकते हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इन्हें भी इसी में फ्राई करूंगी। और बीच बीच में मैं इन्हें भी चलाती रहूंगी। और थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डालूंगी मूंगफली के दाने। इनको भी मैं इसी के साथ में फ्राई करूंगी। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है। और मूंगफली के दाने और नमक पारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी मखाने
और काजू बादाम। इनको भी मैं इसी तेल में फ्राई करूंगी। तो ये भी फ्राई हो चुके हैं और मैं इन्हें भी निकाल लूंगी। अब मैं डालूंगी चने की दाल। चने की दाल को मैंने लगभग 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और उसमें डाला था बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच से कम। अब कलर चेंज होने के बाद मैं इसे भी निकाल लूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी मसूर, जिसे मैंने लगभग 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था और डाला था 1/2 चम्मच से कम बेकिंग पाउडर। और बनाने के पहले 1/2 घंटे के लिए मैंने इसे पंखे में एक सूती कपड़े पर फैला कर रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। और मसूर भी फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा मसूर इसमें फ्राई हो रहा है और उसी में मैंने डाली है किशमिश। और अब मैं इन्हें भी निकाल लूंगी। अब मैंने इन सभी चीजों को फ्राई करके रख लिया है। कढ़ाई में मैंने डाला है 1/2 चम्मच तेल गरम होने के लिए और डाला है जीरा और काली मिर्च पाउडर। अब मैं इन सभी चीजों को इसमें डालूंगी। डालूंगी आमचूर पाउडर, सादा नमक, काला नमक, धनिया जीरा सौंफ का भुना हुआ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं इसे मिक्स करूंगी ताकि सभी मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो सभी मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी सेव। ये सेव मार्केट के हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। इनको भी मैं इसी में मिक्स करूंगी। तो नमकीन बनकर तैयार है और अब मैं इसे निकाल लूंगी एक कटोरी में सर्व करने के लिए। इस नमकीन को आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में भरकर रखें, नहीं तो ये मुलायम पड़ जाएगी। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।